जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस 4 दिन की यात्रा पर भारत आए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य है व्यापार, निवेश और कई प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के पीएम एंड्रयू होलनेस के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्ता हुई। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर बात हुई, कई क्षेत्रों को लेकर समझौते हुए। मसलन व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई है, निवेश और ज्यादा करने को लेकर चर्चा हुई, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, विकास, साझेदारी, शिक्षा, इन तमाम क्षेत्रों में दोनों देश और कैसे मिलकर आगे बढ़ पाएं, इसको लेकर दोनों देशों के डेलीगेट्स ने चर्चा की और साथ ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक साथ बैठकर इस पर वार्ता की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका का प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस के बीच डेलीगेशन लेवल की भी वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन यानी दरअसल MOU साइन किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी और पीएम मोदी ने इस दौरान उन 4 C's का जिक्र किया है, 4 C जिससे दोनों देश जुड़े हुए हैं। यहाँ 4 C का मतलब है कल्चर, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और कैरिकॉम। बाकी 3 समझ गए होंगे, कैरिकॉम का मतलब होता है जो कैरिबियन समुदाय। भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं, कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक बड़ी घोषणा भी की। घोषणा ये की कि जमैका उच्चायोग जो दिल्ली में है उसके सामने की सड़क का नाम अब जमैका मार्क कर दिया गया है। पीएम ने कहा कि यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं जमैका के प्रधानमंत्री को पीएम मोदी ने एक गिफ्ट दिया। दिल्ली के बसंत कुंज में जमैका के दूतावास के सामने वाली सड़क का नाम अब से जमैका मार्ग कर दिया गया है। जमैका के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहली बार इंडिया पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा घोषणा किया। ये घोषणा किया है दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद जमैका के दूतावास के सामने जो सड़क है उसका नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा। और उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के बाद यहाँ पर जो है NDMC के द्वारा जो है यहाँ पर दिल्ली नगर निगम, आप देख सकते हैं लोगों के साथ यहाँ पर जमैका मार्ग जो है इस रोड का नाम रख दिया गया है। वहीं जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कोविड के कठिन समय को याद किया। अब याद करिए किस तरह से उस समय सांसों के लिए संघर्ष कर रही थी दुनिया। उस समय को याद करते हुए होलनेस ने भारत को सच्चा मित्र और भागीदार बताया और एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की ओर से संचालित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में जमैका शामिल होगा, इस बात का उन्होंने ऐलान भी किया। वहीं भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान शिखर सम्मेलन की वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ श्रृंखला में भी वो शामिल हुए थे। We have largely recovered from the COVID-19 pandemic. I must convey on behalf of the government and people of Jamaica our sincere gratitude to the government and people of India for the tremendous support provided to us during our time of need as part of your vaccine friendship scheme. वैक्सीन मैत्री के जरिए दुनिया के तमाम देशों को भारत ने वैक्सीन दान में दी थी मुश्किल वक्त में, उसको आज जमैका ने याद किया। भारत के लोगों का आभार जाहिर किया है, भारत की सरकार का उन्होंने आभार जाहिर किया। वहीं जमैका के प्रधानमंत्री अभी 3 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं।
इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और जमैका के पीएम होलनेस बहुपक्षीय बैठकों में कई बार मौके पर मिल चुके हैं, कई मौकों पर एक दूसरे के साथ मंच साझा कर चुके हैं। मसलन G20 में भी होलनेस भारत पहुंचे थे। वहीं सन 1845 में पहली बार भारतीय लोग जमैका की धरती पर पहुंचे थे। भारतीयों के आगमन की याद में जमैका हर साल 10 मई को भारतीय विरासत दिवस मनाता है। इस बात की जानकारी भी जमैका के प्रधानमंत्री की तरफ से आज दिल्ली में दी गई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है।